हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। अजीब दास्तान्स ये एक बॉलीवुड एंथोलॉजी मूवी है जिसमें आपको चार अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती है और टोटल ओवर लेंथ 2 घंटे 20 मिनट के है करीब इस मूवी की। और मैं इसका रिव्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। आई थिंक आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसने इस मूवी को चेकआउट भी कर लिया होगा और कुछ ऐसे होंगे गिने चुने जो मेरे रिव्यू के लिए वेट कर रहे होंगे। तो यार उन दोनों ही ऑडियंस के लिए ये वीडियो है, पूरा जरूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं चले तो डिसलाइक करना। लास्ट वाली बात मैं अभी स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा लगे तो थोड़ा को शेयर भी कर देना। चलिए बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी की। तो सबसे पहली स्टोरी है मजनू, जिसमें हमें जयदीप अलावाद, फातिमा, शहना शेख, अरमान वेलहम नजर आते हैं। कहानी कुछ यू है कि बबलू जो कि एक बिजनेसमैन के बेटे हैं, उनकी शादी होती है एक एमपी की बेटी निपाक्षी से। यानी बबलू निपाक्षी को स्टार्ट में ही बोलते थे कि हम किसी और को प्यार करते थे, इसलिए हम तुमसे प्यार नहीं कर पाएंगे, ना ही हम अपने पिताजी को पोते का सुख देंगे। खैर अब इन सारी चीज़ों को 3 साल हो जाते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है राज यानी कि अरमान रेलहम की। फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, आई गेस आप लोग सुनकर ऐसा सोच रहे हो कि हाँ ये होगा वो होगा, लेकिन आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे जब इस पर्टिकुलर स्टोरी का एंड देखोगे। दूसरी स्टोरी है खिलौना, जिसमें हमें नुसरत भरूचा और अभिषेक बैनर्जी नजर आते हैं। कहानी कुछ ये कि मिनल जो कि घर घर में काम वाली का काम करती है, एक छोटी बहन है बिली जो कि स्कूल पढ़ती है। दोनों ही बहन बहुत ही चालाक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गरीब भी, और इतने गरीब कि ये लोग लाइट का बिल भी नहीं भर सकते। वही दूसरी तरफ सुशील है जो कि प्रेस करता है, यानी कपड़े प्रेस करने की इसकी एक छोटी सी दुकान है। फिर अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, इन तीनों को पुलिस एक केस के लिए पकड़ती है। अब वो केस क्या है, इनके साथ क्या कुछ होता है, ये लोग क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सेकंड स्टोरी देखने मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी और बहुत ही सोचने पर आपको मजबूर करेगी जब आप इस पर्टिकुलर स्टोरी का एंड देखोगे। उसके अलावा तीसरी स्टोरी है गिली पुची, जिसमें हमें नजर आती है कोंकणा सेन शर्मा और आदित्य राव हैदरी जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट है यंग एक्ट्रेस में। यार कहानी कुछ यूँ है कि भारती जो कि एक फैक्ट्री में काम करती है और इस फैक्ट्री में भारती के अलावा कोई भी दूसरी लड़की है ही नहीं। खैर भारती एक दलित कास्ट से बिलोंग करती है और इसी वजह से इसकी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी इसको प्रमोशन नहीं मिली, यानी इसको ऑफिस जॉब करना, लेकिन फिर भी इसको मशीन ऑपरेटर के लिए ही रखा गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट का बात है जब इसी फैक्ट्री में एंट्री होती है प्रिया यानी कि आदित्य राव है भी। इसके बाद इन दोनों की रिलेशन किस मोड़ पर जाके खत्म होते हैं, क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये थर्ड स्टोरी देखनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग वो एंगल सोच रहे हो जो मैं सोच रहा था तो आप लोग यहाँ पर हिंट नहीं दूंगा। बस मैं आपको इतना बता दूं कि ये भी आपको सोचने में मजबूर करती है और ये हमारे इंडिया की सोसाइटी का ऐसा चेहरा बताएगी जिसे आप लोग जानते हो, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें होती है लेकिन क्योंकि आपको मानने का दिल नहीं करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब बात करेंगे फोर्थ और आखिरी स्टोरी की जिसका नाम है अनकही। इसमें हमें नजर आती है शेफाली शाह और मानव कौल, और ये दोनों उस लेवल के एक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। फिर कहानी कुछ यूँ है कि शेफाली शाह की एक बेटी है जो कि दिन पर दिन कान से उसकी सुनने की जो शक्ति है वो खत्म होती जा रही, तो इसलिए शेफाली चाहती है कि उसका हस्बैंड अब उसकी बेटी की इस प्रॉब्लम को समझे और साइन लैंग्वेज सीखे ताकि वो अपनी बेटी से कम्युनिकेट कर सके। लेकिन उसका हस्बैंड इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट का बात है जब शेफाली की मुलाकात होती है मानव से जो कि एक फोटोग्राफर है, और यहाँ पर एक ट्विस्ट बता दूँ कि मानव सुन नहीं सकते हैं। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कहते ये स्टोरी एक ऐसी जगह पर एंड होती है जहाँ पर आपके पास कुछ वर्ड्स ही नहीं रहेंगे कि मतलब आप बोले तो बोले क्या। तो यार ये चारों स्टोरी मैंने आपको बता दी, आप बता दो इस मूवी के कैरेक्टराइजेशन की। यार हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी के हिसाब से बहुत ही डिटेल में और बहुत ही रिलेटेबली लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीज़ें समाज में होती है और इन चारों चीज़ों में हम लोग एक समाज का आईना फील कर पाते हैं। पूरा मूवी की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, हर एक स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया है, लाइटिंग का यूज बहुत अच्छा है और लोकेशन मूवी को अलग ही टेस्ट देता है। बैकग्राउंड बहुत अच्छे, हर एक स्टोरी में जो सॉन्ग्स है बहुत ही सोलफुल है, लिरिक्स बहुत ही तगड़े हैं और एकदम परफेक्ट मैं बोलूँगा, और BGM के मामले में भी एक भी शिकायत नहीं है, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। खैर अगर बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यार जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तभी मैंने फील किया था कि यहाँ पर जितने भी एक्टर्स हैं वो सबके साथ एकदम परफेक्ट है। यार मुझे इन सारों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। अगर हम लोग जयदीप अलावा सर की बात करें तो भाई लेजेंडरी एक्टर है। स्टोरी में स्टार्टिंग में देखो तो ऐसा लगता है कि यार मतलब एकदम सिंपल सा नॉर्मल लगते हैं वो एज अ परफॉर्मेंस,
लेकिन उस स्टोरी के एंड में जो उन्होंने अपना एक मैजिक बताया वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये 5 मिनट के सीन में भी मतलब ऑडियंस को हिला के रख सकते हैं। और जयदीप बरावत ने वही किया है। इसके अलावा अरमान जिसने यहाँ पर राज का रोल प्ले किया, मुझे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि शायद आगे चल के हमें वो बहुत सारी सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म पे तो दबा के दिखने वाले। और यार फातिमा सना शेख ने यहाँ पर डिसेंट काम किया, मुझे इतना कुछ खास अपीलिंग नहीं लगा जिनका उस टाइप का जो रोल था उनका, जो यहाँ पर मैं रिवील नहीं करता हूँ, लेकिन वो मुझे इसमें इतनी कुछ खास जमी नहीं। नुसरत बलूची और अभिषेक बैनर्जी एज यूजुअल अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाए, लेकिन यहाँ पर जो शॉकिंग परफॉर्मेंस था वो था अदिति राव हैदी, शिफाली शाह, मानव कौल और कोंकणा सेन शर्मा। इन चारों ने इतना खसब का परफॉर्मेंस किया ना भाई के पैसा वसूल। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स को सब्सक्रिप्शन ले रहे हो सिर्फ इस पर्टिकुलर एंथोलॉजी के लिए, तो भाई इन चारों के परफॉर्मेंस ने आपको हिला देगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और रियल परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं, अपने कैरेक्टर में डूब के परफॉर्मेंस किसको करना बोलते हैं, इन चारों एक्टर से सीखो। मूवी की एडिटिंग भी बहुत अच्छी है और हर एक कहानी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। डायरेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ पहली जो स्टोरी है वो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, लेकिन जो उसमें ट्विस्ट था वो अनएक्सपेक्टेड था। बाकी जो थीम थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगी, ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ एडल्ट सीन ज़रूर डाले गए, जो कि मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। मैं इसको रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल मूवी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।